और चलिए सत्याग्रह की शुरुआत करते हैं। लोकसभा चुनाव में लगभग एक साल का समय बचा है, जिसमें फतेह के लिए भाजपा ने 66+14 वाला एक खास प्लान तैयार किया, जिसके लिए पार्टी ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ सरकार के मंत्रियों को जमीन पर उतारने की योजना बनाई है। भारतीय जनता पार्टी मार्च के पहले सप्ताह से ही चुनाव की तैयारी का मेगा प्लान शुरू करने जा रही है। इसके तहत सभी मंत्रियों को अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में भेज दिया जाएगा, जिसमें यूपी सरकार के मंत्री 66 जीती हुई सीटों पर प्रवास करेंगे। भाजपा ने उपचुनाव में जीती रामपुर और आजमगढ़ सीट को मिलाकर करीब 25 सीटें ऐसी अलग की हैं, जहां जीत का अंतर 1,00,000 वोट से कम रहा है। इसके अलावा 30 लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां जीत का अंतर 1,25,000 वोट से कम था। भाजपा का फोकस पहले चरण में कम अंतर वाली सीटों की जीत पर है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में भी ऐसी सीटों को चिन्हित किया था, जिसमें कई सीटों पर भाजपा ने काफी कम अंतर से जीत हासिल की थी। ऐसे में भाजपा का मानना है कि अपने प्लान की वजह से पार्टी उत्तर प्रदेश में पहले से बेहतर प्रदर्शन करने वाली है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का काफी अच्छा वहाँ के ऊपर आधार है और सारी सीटें हम लोग जीत सकते हैं। अमित शाह 28 फरवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, वहाँ पर जनसभा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उनके दौरे के बाद मार्च के पहले हफ्ते से भाजपा का ये मेगा प्लान जमीन पर उतरता हुआ नजर आएगा। एक तरफ तो भाजपा 2024 की तैयारियों में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ सपा ने भी अपने मोर्चों और प्रकोष्ठों को एक्टिव कर दिया है, जिसमें पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ को जातीय जनगणना को लेकर फ्रंट पर ला दिया गया है। सपा की रणनीति है कि आगामी नगर निकाय चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक जातीय जनगणना के मुद्दे को आक्रामक ढंग से उठाया जाए। दरअसल समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना की मांग पर बल देने के लिए ब्लॉक स्तर तक अभियान चलाने वाली है, जिसकी कमान समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजपाल कश्यप को सौंपी गई है। जातीय जनगणना के लिए जन आंदोलन खड़ा करेंगे और सरकार को, बीजेपी सरकार को मजबूर करेंगे कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सपा जातीय जनगणना को लेकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन भी करने वाली है, जो 24 फरवरी से शुरू होकर 5 मार्च तक चलने वाला है। जातीय जनगणना की मांग के लिए पहली संगोष्ठी पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में 24 और 25 फरवरी को होगी, तो 26 और 27 फरवरी को सोनभद्र में कार्यक्रम है। 28 फरवरी से 1 मार्च को मिर्जापुर, 2 से 3 मार्च को भदोही में संगोष्ठी होगी। कार्यक्रम का समापन 4 से 5 मार्च को प्रयागराज में होगा। इससे पहले योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी ने जातीय जनगणना का समर्थन कर भाजपा की मुसीबत बढ़ा दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अब प्राथमिक विद्यालयों में काम करने वाले शिक्षा मित्रों की भी रिटायरमेंट की उम्र को तय कर दिया है। शिक्षकों की ही तरह शिक्षा मित्र भी अब 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। इस उम्र के बाद उनका अनुबंध नहीं बढ़ाया जाएगा, जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आदेश भी जारी कर दिया है। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे शिक्षा मित्रों के काम करने की सीमा तय कर दी गई है, यानी अब सामान्य शिक्षकों की तरह ही शिक्षा मित्र की भी उम्र सीमा तय हो गई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र अब अधिकतम 60 साल पर रिटायर होंगे और 60 साल होते ही शिक्षा मित्र की नौकरी स्वतः समाप्त मानी जाएगी, जिससे प्रदेश के 1,46,000 शिक्षा मित्रों को फायदा पहुंचने वाला है। तो इसके लिए हम उत्तर प्रदेश सरकार का अपने प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। अधिकतम रिटायरमेंट एज तय होने से प्रदेश के लगभग 1,50,000 शिक्षा मित्रों को फायदा होगा। शिक्षा मित्र भी इसे एक बड़ा फैसला मान रहे हैं और इसका स्वागत भी कर रहे हैं। गौरतलब है कि 1999 में शिक्षकों की कमी को देखते हुए प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति शुरू कर दी गई थी। हर 11 महीने के बाद उनके संविदा को आगे बढ़ा दिया जाता है। मौजूदा समय में 1,46,000 शिक्षा मित्र प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 10,000 रुपए की मासिक सैलरी पर तैनात हैं। दूसरी ओर शिक्षा मित्रों ने नियमितीकरण की मांग को लेकर 20 फरवरी को लखनऊ में महासम्मेलन करने का फैसला लिया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।